कहाँ रह गया ये लड़का? हाशिम बेटा, 10 मिनट रह गए मजलिस शुरू होने में। जी चाचू, बस आप 2 मिनट रुके, मैं अभी आया। जाओ हुसैन बाट रहे। चले चाचू। देखो बेटा, आज के बाद आपने ना टाइम पर तैयार रहना है, क्योंकि मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मौला हमारा इंतजार करे, बल्कि हमें मौला का इंतजार करना चाहिए। जी चाचू, माजरत, आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा। माजरत मुझसे नहीं, अपने मौला से मांगना, ठीक है ना? अब जल्दी चलो, बहुत लेट हो गए। चले? जी चले। चाचू आप ये खा ले, आप नीचे से क्यों उठा के खा रहे हैं? बेटा ये भी तो मौला हुसैन की नियाज है। चलो आपको ना आज मौला हुसैन की नियाज के बारे में बताते हैं। जी ये अच्छा है। देखो बेटा, ये तबर्रुक के मौला हुसैन बादशाह और ये अहले बैत के घर से मंसूब है। ये जब मौला के घर से मंसूब हो जाता है ना, तो ये आम नहीं रहता, ये बहुत खास हो जाता है। चाहे वो फिर एक चावल का दाना या एक जर्रा ही क्यों ना हो। अच्छा, उसकी मंजिलत बहुत बढ़ जाती है। और हमारे जद इमाम अली रजा बादशाह फरमाते हैं कि जो रिस्क हम मोहम्मद वाले मोहम्मद से मंसूब हो जाए, उसमें 4 करम फौरन से नजूल कर जाते हैं। पहला इल्म, दूसरा शिफा, तीसरा निजात और चौथा शिफात। पता है आपको? नहीं। ये है मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर से जुड़ी हुई नियाज की अहमियत। और देखो, अभी आपने ये तबर्रुक के इमाम हुसैन बादशाह खाकर नीचे उतरना था, और ये जो जर्रात आपकी गोद में गिरे हुए थे ना, ये जमीन पर गिर जाने थे, जिसकी बहुत बेहुरमती होनी थी। पता है आपको, मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर से जो भी रिस्क मंसूब है, उसकी बहुत अहमियत है, समझे आप? जी बिल्कुल। अब चले? जी चले। सजा के जिस्म पे कुछ मौजज़ा तेरे, जाओ हुसैन बाट रहे निजात। अरे मजलिस का टाइम होने वाला है और चाचू अभी तक सो रहे हैं। चाचू 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 को तो बहुत तेज बुखार है। मौला, आज मेरे चाचू को बहुत तेज बुखार है, हम नहीं आ पाएंगे। मौला हमें माफ कर देना। जाओ हुसैन बाट रहे निजात ले। जाओ हुसैन बाट रहे निजात ले। जाओ हुसैन।
नहीं नहीं मैं जाऊंगा अपने मौला की मजलिस में, मैं जाऊंगा, मौला का मातम करना है, मौला पर क्रिया करना है, मैं जाऊंगा। चाचू चाचू हाय मौला हाय मौला चाचू चाचू क्या क्या हुआ है आपको? चाचू आपको तो बहुत तेज बुखार था लेकिन अब आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है। मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि मौला आए थे। और मौला मुझसे फरमाने लगे कि तुझे मेरी मजलिस में जाना है ना, तुझे मेरे अब्बास का मातम करना है ना, तुझे मेरे मसाइब पे गिरिया करना है ना। हाय मौला। फिर मौला मुझसे फरमाने लगे कि गोलियां तू खा ले, तू मजलिस में भी जाएगा, तू मेरा मातम भी करेगा, गिरिया भी करेगा। हाय मौला। मौला इमाम शहनशाह मशहद सुल्तान अरबो अजम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हमारी जद्दा जनाब सैयदा इज्जतुल्लाह उम्मे अबीहा सलामुल्लाह अलैहा मुंतजिर होती हैं उन आंसुओं की जो मुसाइब अबुल फजील अब्बास और मुसाइब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जारी होते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।